हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं बात कर रही हूँ एक करी प्लांट जो हर घर में मोस्टली आपको मिल जाएगा, और साउथ में तो बहुत ज़्यादा इसका मोस्टली इसका चलन रहता है। बट हमारे यहाँ भी आजकल हर घर में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। इस प्लांट को बहुत ईजीली आप ग्रो कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं लगाया है तो इस बारिश में आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, सीड्स इस समय आपको जो है जगह जगह पर इसके मिल जाएंगे, तो आप इनसे लगा सकते हैं सीड के ज़रिए से। देखिए, ये इंडियन जो है कॉन्टिनेंटल का ही जो है जो करी लीव्स का प्लांट है। और अगर हम इसकी सॉइल की बात करें तो देखिए, सॉइल जो आप नॉर्मल जो सॉइल हम यूज़ करते हैं, वही इसमें भी सॉइल आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो है 50% अपने गार्डन सॉइल ले लीजिए, इसमें आप 30% के लगभग जो है आप कंपोस्ट इसमें के अंदर अच्छे से ज़रूर मिला दीजिए, और वो सड़ी हुई होनी चाहिए, गोबर की खाद कच्ची ना हो। या वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो आप वो भी इसके अंदर जो है डाल सकते हैं, और इसके अंदर आप फिर डस्ट की मात्रा ज़रूर मिला दीजिए, क्योंकि जो भी हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं, पॉट के अंदर जो प्लांट को ग्रो करते हैं, उसके अंदर डस्ट की मात्रा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्लांट का जो है पॉट का जो है ड्रेनेज सिस्टम बेटर रहे और प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाता है। वरना कुछ समय के बाद ही जो है प्लांट जो है ख़राब होने लग जाता है, उसकी जो ये सड़न पैदा इसकी जड़ें जो गलने लग जाती हैं। इसलिए पॉट जो तैयार करना है उसको बहुत अच्छे से आप तैयार करें, और इसके अंदर जो है आप नीम केक का पाउडर और थोड़ा सा सरसों खली का पाउडर, और इसके अंदर आप थोड़ी सी रेत की मात्रा को मिक्स कर दें। इस तरीके से आप जो हम पॉट की सॉइल तैयार करते हैं, सेम वैसे ही इसकी सॉइल को तैयार करते हैं। अगर सेकंड अगर हम इसकी लाइट की बात करें तो ये एक सन लविंग प्लांट है, यानी कि इसको जो है फुल सनलाइट चाहिए। जहाँ पे आपके अच्छे से धूप आती वहीं आप इस प्लांट को जो है लगाएं। अगर जहाँ पर 3 से 4 घंटे की धूप भी आती वहाँ भी अच्छे से ये सर्वाइव करता है। और सर्दी जो है एक तरह से इसका विंटर जो टाइम होता है वो डोरमेंसी पीरियड होता है, तब उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं होती है। और उस समय अगर विंटर में आप बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखें कि इसको जो है पानी कम मात्रा में दें, फर्टिलाइज़र भी कम दें। और जैसे ही फरवरी का मंथ आता है तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर नए नए जो लीव्स होती हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाती हैं। उस समय आप इसके जो है फर्टिलाइज़र का स्पेशली ध्यान रखें। जैसे कि अगर मैं फर्टिलाइज़र की बात करूं तो जब शुरू में हम पॉट तैयार करते हैं तब उसमें कंपोस्ट अच्छे से दे देते हैं। उसके बाद हम 15 से 20 दिन के, जैसे 1-1.5 महीने तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद जब 20 से 25 दिन के अंतराल पर आप इसमें सी वीड्स का जो है एक्सट्रैक्ट ज़रूर दें, और 2 महीने में मतलब एक अल्टरनेट जो है 1 महीने में आप छोड़कर वो है जो है एप्सम सॉल्ट भी आप दे सकते हैं, उससे भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और देखिए, इसमें हम विशेष तौर से जो है लीव्स का इस्तेमाल करते हैं, इस फ्रूट्स का जो ये लग रहे हैं इस समय इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आपको सिर्फ लीव्स चाहिए तो आप इनको, जैसे जब आप देखेंगे कि फरवरी के अंदर इनमें है ना छोटे छोटे जो फ्लावरिंग मार्च के शुरू में ही बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं, उनकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, आप उन्हें पिंच करके हटा दीजिए तो लीव्स जो हैं ज़्यादा हो जाएंगी, वरना जो लीव्स की संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि अपनी एनर्जी जो है प्लांट फिर सीड जर्मिनेशन में ही लगा, सीड्स के ग्रोथ में लगा देता है। तो इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। और कुछ समय स्टार्टिंग में जैसे ये होता है प्लांट, तो आप इसकी पिंचिंग कर दीजिए। अगर आपको जैसे मेरा तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है, ये देखिए, और भी मैंने इसमें मेरे लगभग 3 प्लांट जो है लगे हुए हैं, और भी जो है अब मेरे कई सारे प्लांट लगे हुए, मैं कई सारे प्लांट लगा कर रखती हूँ। और इस तरीके से जो है आप इसका ये पिंचिंग करके थोड़ा सा इसकी ग्रोथ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, यानी कि फिर ये लंबा लंबा नहीं होगा, इसका बहुत घना हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली हम इसकी लीव्स का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, बारिश के दिनों में अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से जो है छोटे छोटे प्लांट्स आपको निकल आएंगे। आप इनको लेकर जो है अगर इसके प्रोपगेशन की बात करूं तो इस तरीके से छोटे छोटे, देखिए ब्लैक कलर के सीड्स हैं, ये देखिए इसमें काफ़ी सारे जो है, ये देखिए जो है इस तरीके के सीड्स लग जाते हैं। इन्हें आप जो है आपके आसपास प्लांट्स में देखेंगे लगे हुए होंगे। अगर आप नए प्लांट और ग्रो करना चाहते हैं तो इन सीड्स को जो है डाल दीजिए, और बहुत अच्छे से एक नया प्लांट जो है आपका ग्रो हो जाता है, और इसे कटिंग के जरिए भी जो है आप ग्रो कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, जैसे ये छोटा प्लांट बन जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत कम होगी। आपको ये लगेगा कि मेरा प्लांट ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, बहुत सारे फर्टिलाइज़र उसको देते हैं, बट जो करी लीव्स का प्लांट होता है 1 साल उसकी जो ग्रोथ होती है बहुत धीमी होती है, यानी कि बहुत स्लो करता है। इसलिए आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जैसे इसका 1 साल कंप्लीट होगा आप इसे छोटे ही पॉट में लगाएं, क्योंकि इसे रूट बाउंड होना थोड़ा पसंद है, तो ये नहीं आप शुरुआत में इसे बड़े पॉट में लगा दें, इसे जो आप छोटे पॉट के अंदर लगाएं। और ये देखिए इस तरीके से फिर ये 1 साल पूरा होगा, इसकी ग्रोथ तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी, और फिर आप इसकी हल्की हल्की
जो है प्रूनिंग कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र में जो है इसको मेनली, क्योंकि लीव ज़्यादा होती है तो नाइट्रोजन रिच जो फर्टिलाइज़र है वही हम मोस्टली इसको ज़्यादा देते हैं। तो आप सरसों खली का इस्तेमाल जो है इस पर ज़्यादा कर सकते हैं, एप्सम सॉल्ट का भी इस्तेमाल जो है इसके ऊपर ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो मेरे यहाँ प्लांट पर तो मैंने कभी कोई इस तरीके का नहीं देखा है, क्योंकि मैं हमेशा हर 15 दिन बाद जो है इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, तो इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती। बट इस पर मिली बग्स है या स्पाइडर माइट्स का जो अटैक हो जाता है, तो आप जो है नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, क्योंकि जो ये लीव्स होती है इसको हम डायरेक्ट खाने में यूज़ करते हैं, इसलिए कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर उसका सॉरी पेस्टिसाइड का आप यूज़ ना करें। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें नीम ऑयल का या फिर जैसे जो लिक्विड जो विम का जो हम बनाते हैं साबुन का घोल, उसका स्प्रे कर सकते हैं आप इसके ऊपर, या मीठा सोडा जो होता है उसका स्प्रे कर दीजिए, उससे ये प्रॉब्लम इसकी जो है सॉइल हो जाएगी। तो इसलिए आप इस पर केमिकल का कोई ना करें और ना ही मोस्टली इस पर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। इस तरीके से बहुत ही अच्छा एक प्लांट है और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी इसकी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। और आप इस बार इस बारिश इसको आसानी से लगाइए, बहुत आसानी से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। आप जाकर कहीं से भी इस तरीके से देखिए, मेरे यहाँ जगह, मैं हालांकि सीड्स बनने नहीं देती हूँ पर कुछ फ्लावर्स रह जाते हैं तो बन जाते हैं, बहुत अच्छे से खूबसूरत छोटे छोटे ऐसा लगता है जैसे जामुन लगे हुए हों। इस तरीके से आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।